चुके हैं। हाँ, चमत्कारिक शक्ति से लोगों को ठीक करने वाले लोग अंदर बैठे हैं, हजार लोग पब्लिक है बिना परमिशन के। देखिए बिना परमिशन के, खोलिए, बिना परमिशन के हैं अंदर लोग। क्या हो गया, ये कौन सा मंत्र पढ़ रही, देखिए देखिए कौन सा मंत्र पढ़ रही है ये। ये देखिए धर्मांतरण का कार्य चल रहा है भाई, पीछे बैठते। ये देखिए अमित कुमार जी आने वाले हैं अभी। ये पब्लिक है बिना परमिशन के, ये देखिए आप। हाँ अभी वो दोनों गेट लगा हुआ है ना। धर्म बदलने वालों को आज किस प्रकरण के मामले में आप थाने पहुंचे हैं? यहाँ पर केवल भवन में धर्मांतरण का चंगाई सभा कर रहे थे, जिसमें बाहर से कम हजारों लोग आए हुए थे, 2 से 2500 लोग इकट्ठे थे वहाँ। हेलो, मैं क्या कहता हूँ बेटा, चलो भाई क्या कहते। हनुमानंजना सुरु, बोलो हनुमान, बोलो बोलो हनुमान अंजना सुरु। वायुपुत्रो महाबल, जम से बोल, जोर से बोल, जम से बोल, महाबल पिंगक सौविध विक्रम उदिक्रम नक्षैव सीता संदेश हारकः लक्ष्मण प्राण दाता च ततद्रिवस्य दर्पः द्वादशी तानि नामानि कपिन्द्रस्य महात्मनः इति श्री तुलसीदास कृतं हनुमान अंजना स्तोत्र पाठ संपन्नम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए हमारे कुछ सूत्रों के द्वारा पता चला, इसके अलावा जो हमारे आनंद दामोदर जी और जो हिंदू प्रेमी भाई हैं, हमारे अविनाश जी हैं जिला मंत्री जो हैं यहाँ दुर्ग से, और एवं अन्य हिंदूवादी संगठन अरुण सिंह भाई थे, और भी लोगों से सूचना मिली, इसमें तत्काल हम थाने में पहुँचे और केवल धाम में घेराव किया। केवल धाम में घेराव के दौरान हम लोगों ने उनकी आपत्तिजनक धर्म परिवर्तन के लिए किताबें और अन्य लिटरेचर और बड़ी मात्रा में जो है इनके प्रचार पत्रिकाएं को जब्त किया। कुछ हमने अपने पास रखा है, कुछ थाने में दिया है। जो हमने अपने पास रखा है हम अपने वकीलों के माध्यम से इसमें भी कानूनी कार्रवाई कराएंगे। हिंसा को ज़्यादा बढ़ावा इसलिए नहीं दिया गया, इससे क्या होता कि जो कानूनी कार्रवाई है वो दो तरफा हो जाता, और हम चाहते थे कि एक तरफा कानूनी कार्रवाई हो। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, ये समाज के छोटे वर्गों को पकड़ रहे हैं, और यही बातें जो है अकबर ने भी किया, मुगल साम्राज्य ने किया, अंग्रेजों ने किया, और आज अंग्रेजों के अलावा आज हमारे ये भी यही काम कर रहे हैं। जो हमारे समाज के छोटे होते छोटे तबके के वर्ग के लोग हैं, ये वहाँ से टारगेट करके धीरे धीरे समाज में अपना पाव बड़े पैमाने में पसार रहे हैं, और कोरोना का इनको
अद्भुत लाभ उठा रहे हैं कोरोना का, और कोरोना प्रोटोकॉल को हम लोग पालन कर रहे हैं। आज हम 50 आदमी की रैली निकालने के लिए हम परमिशन लेते नहीं निकाल रहे हैं, ये हजारों की संख्या में इस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। तो मेरा सभी हिंदू समाज शासन प्रशासन से तो ये कार्रवाई करना ही है। इसमें LIU के ऊपर भी बड़ा सवाल उठता है कि जब हम लोग छोटी सी बात उनको पता चल जाती है, इतने बड़े पैमाने में मोहननगर थाने के बाजू में हो रहा है, तो ये बात तो पता चलनी ही चाहिए थी। इसके अतिरिक्त जो सबसे अतिरिक्त विषय मेरे सभी हिंदू समाज और हिंदूवादी संगठनों से आग्रह है कि आप समाज के छोटे वर्गों को, जिन्होंने राम जी का भी साथ दिया, महाराणा प्रताप का भी साथ दिया, और ये जो वर्ग है इनको अन्यथा और कमजोर ना समझे। इन्हीं से हमारी तख्ता पलट होते आई है, और आज इनके इसमें लिखा हुआ है कि हम कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे। जो हमारे छोटे समाज के लोग हैं आज छोटे छोटे कर्जों में दबे हुए हैं, 10,000, 20,000, 10%, 20%, 25% ब्याज में, और ये अपने कर्जों से ये बोल रहे हैं मुक्ति दिलाएंगे, बोल रहे हैं गवर्नमेंट, ये बोल रहे हैं हम सरकारी नौकरी दिलाएंगे। इनके किताबों में लिखा हुआ है, लिखित में हमारे पास है। तो सरकारी नौकरी जब पक्ष और विपक्ष की सरकार नहीं दिला पा रही है, तो ये कैसे दिलाएंगे ये समाज? ये भीड़ किसने लगी? जैसे कि हमारे हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं को जब जानकारी लगी कि चंगाई सभा हो रहा है, और गांव से गरीब कुछ के टाइप के लोग एकदम गिरे, बहुत छोटे छोटे निम्न आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को लोग बुला करके धर्मांतरण का काम कर रहे थे, ऐसी शिकायत हमारे पास आई। सभी लोग जब वहां पहुंचे तो सब तितिर बितिर हो गए लोग, और जब हमारे कार्यकर्ता जब उग्र प्रदर्शन करने लगे तो पुलिस मौके पर पहुंची है और उनको लेकर गिरफ्तार करके आज थाने लाई है। हम लोग का यही मांग है कि जिस प्रकार से ये लोग हमारे भोले भाले जनता को धर्मांतरित करने का काम कर रहे हैं, इससे इनको बाज आना चाहिए। हजार बार बोलते बोलते थक गए इन लोगों को, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं समाज में टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। अगर इस प्रकार की स्थिति बार बार पैदा होगी तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन को ही लेनी पड़ेगी। आज यहाँ जितने मेरे भाई कार्यकर्ता खड़े हैं, सब ये संयम का परिचय दे रहे हैं, प्रशासन को पूरा कोऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर बार बार यही स्थिति बनी तो फिर उम्मीद मत करना कि हम किसी को कोऑपरेशन करेंगे या किसी को हम सपोर्ट करेंगे। हम अपने स्टाइल पे, और हमारा जो स्टाइल है बजरंग दल का, उसी स्टाइल से हम काम करेंगे। ये हम आपको सीधा चेतावनी प्रेस के माध्यम से वो उनको भी देने रहे हैं, जो लोग धर्मांतरण का काम कर रहे हैं उनको सीधी चेतावनी है बजरंग दल की कि अगर आप नहीं बाजा है तो हम सुधार कर रख देंगे आपको। देश में कोविड का केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं, नया वेरिएंट आ चुका है। उसके बाद अगर एक छोटे से भवन में, जो थाने से 50 मीटर दूर में 2,500 लोग रहना, इस बात को भी हमने CSP साहब के पास रखा है कि जिस प्रकार से कोविड में 50 आदमी इकट्ठे नहीं कर सकते, और अभी अचानक ये लोगों ने आयोजन जो तय किया है सीधा सीधा उस कोविड का उल्लंघन किए, तत्काल उस पर मामला दर्ज होना चाहिए। तो उन्होंने वो कहा कि आश्वासन दिया कि हम उसमें मामला भी दर्ज करेंगे, और धर्मांतरण के खिलाफ जो शिकायत आई है उसमें जो पेन ड्राइव्स और कुछ सामान हमने जब्ती करवाया है उसकी जांच करके उचित उस पर कार्रवाई करेंगे बोले। अगर ये लोग कार्रवाई ठीक से नहीं करते हैं तो ये ज्योति शर्मा है, ये रवि निगम है, ये राकेश सिंधे है, ये अपूर्व है, ये सारे जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, आने वाले समय में प्रशासन के नाक के नीचे दम कर देंगे। ये हम आपको यहाँ से